मणिपुर में क्या हो रहा है? आज मणिपुर देख के मोदी जी की आंख लाल नहीं हो रही? आज मोदी जी को गुस्सा नहीं आ रहा? आज बेटी बचाओ नहीं याद आ रहा? क्या हुआ यूपी में? ये सब बातें, ये मुद्दे कब आएंगे देश के सामने? और ये मेरी, आप जैसे मीडिया चैनल जो शायद इस बातों को आगे दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपरली जो नेशनल मीडिया है वो तो मोदी जी ने खरीद ली है। भाजपा का रथ तो रुक चुका है, आप देखिए कर्नाटक में, कर्नाटक में देखिए हम लोग ने किस तरह भाजपा को रोकने का काम। राहुल गांधी जी को विपक्ष पीएम उम्मीदवार बनाता है, उम्मीदवार जनता बनाता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से 4500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, विपक्षी एकता में तो इतना दम है कि आपने देखा है कि किस तरह विपक्षी एकता से घबरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी 38 पार्टी का एक गठबंधन बनाने का काम किया है। और नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देख सकते हैं कि बड़ी से छोटी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, और ऐसे में यहां पर कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, यहां पर ढिलो जी पहुंचे हुए हैं और जो सासाराम पहुंचे हुए हैं। आप यहां सासाराम पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे जी? प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास जी जो कि बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो आने वाले समय में हर असेंबली में जाके कुछ लड़कों को किस तरीके से आने वाले टाइम में क्या काम देना है, क्या काम करना है, और इनका जो प्रोपोगंडा है खास करके बीजेपी का, जिस तरीके से इन्होंने मीडिया हाउसेस को बड़े लेवल पे कब्जा कर रखा है, इवन सोशल मीडिया पे इतना पैसा लगा के नौजवानों को प्रोपोगंडा वीडियोस भेजते हैं और उनको असली मुद्दों से भटकाते हैं, तो उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी की तैयारी कहीं ना कहीं पिछली बार समय से कम रही है, तो उस तैयारी को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस जो है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के कार्यक्रम में जो है वो कर रही है, और इसी तरीके से जो यूथ को जोड़ रहे हैं, बूथ को जोड़ रहे हैं ताकि पार्टी को तगड़ा कर सके। विपक्षी एकता में कितना दम है आप लोगों के द्वारा? लगातार जिस तरह से विपक्षी एकता को बैठक किया जा रहा है और एकजुट करने का प्रयास किया, कितना दम है विपक्षी एकता में? तो इतना दम है कि आपने देखा है कि किस तरह विपक्षी एकता से घबरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी 38 पार्टी का एक गठबंधन बनाने का काम किया है, और उसमें तो एक दर्जन से ज्यादा ऐसे दल हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, तो ये उनकी घबराहट को दर्शाता है, विपक्ष की घबराहट को दर्शाता है कि किस तरह वो इंडिया से डर गए हैं, भारत से डर गए हैं, कांग्रेस से डर गए हैं। 2024 में क्या भाजपा को आप लोग हरा पाएंगे? हैट्रिक लगाने से भाजपा को रोका जाएगा या नहीं रोका? भाजपा का रथ तो रुक चुका है, आप देखिए कर्नाटक में, कर्नाटक में देखिए हम लोग ने किस तरह भाजपा को रोकने का काम किया, आप देखिए किस तरह से हम लोग राजस्थान में रोकेंगे, मध्य प्रदेश में रोकेंगे, छत्तीसगढ़ में रोकेंगे, आने वाले उस तो लोकसभा से पहले भी जिस जिस राज्य में उनका विधानसभा में भी है वो साफ साफ दर्शा देगा कि हम लोग जो भी पांच राज्यों में विधानसभा की चुनाव हो रही है वहां पर भी देखिएगा कि कांग्रेस परचम लड़ाएगा, और उनका हार का सिलसिला तो कर्नाटक से शुरू हो गया। 2024 में इंडिया जीतेगा तो आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा? 24 आने दीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, हमारी तरफ से राहुल गांधी जी के अलावा ना कोई प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार है और ना ही कोई उम्मीदवार आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ये जरूर, लेकिन पार्टी का एक अपना फैसला है, इन चीजों को समय आने पर ही सही समय होता है, लेकिन युवाओं की बात कर लीजिए, पार्टी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी क्लियर कट चॉइस है, इसमें कोई मतलब बातचीत और इफंड बट वाला कोई मसला ही नहीं। क्या राहुल गांधी को विपक्ष है जो पीएम उम्मीदवार बनाएगा? बिल्कुल, राहुल गांधी जी को विपक्ष पीएम उम्मीदवार बनाता है, उम्मीदवार जनता बनाता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से 4500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा किए हैं उसे जनता में आपरूपी माहौल राहुल गांधी जी के प्रति बना हुआ है, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी जनता के पसंद है। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं, कर्नाटक चुनाव से पहले मालूम था कि सिद्धारमैया जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री, उम्मीदवार की तो घोषणा नहीं की थी, तो इसमें तो ही बट की बात है और आपस में लड़ाने की बात है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग किस तरह महंगाई को हराएंगे, बेरोजगारी को हराएंगे, किस तरह किसानों की आवाज बनेंगे, गरीबों की आवाज बनेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे, हम लोग तो आवाज बनने का काम कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी जी निष्पक्ष हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से विपक्ष तो इतनी घबरा गई है कि उनकी संसद की सदस्यता भी उनकी छीन ली गई, परंतु हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को देश के जनता पे और भारत के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। आप बिहार के हैं और बिहार के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ पाएगी? बिहार पे कांग्रेस 40 सीट पे लड़ रही है, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ,
तो इस पे कोई सवाल नहीं उठता है कि कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल कितने सीट पे लड़ेंगे, जेडीयू कितने सीट पे लड़ेंगे। ये जो इंडिया गठबंधन है, भारत गठबंधन है, देश के सभी लोकसभा चुनाव सीट पे और सभी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस लड़ रही है। हम सब लोग गठबंधन के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, और इंडिया जो का जो टीम बना है खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, वो पूरे देश में हम लोग लड़ेंगे। कोई सवाल नहीं है कि बिहार में कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी, आरजेडी कितने सीट पे, जेडीयू कितने सीट पे, वाम दल के हम 400 सीट पे लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन 400 सीट पे लड़ेगा, इंडिया 400 सीट पे लड़ रहा है। सासाराम आप पहुंचे हुए हैं और सासाराम काफी आपके साथ जो युवा है, यूथ है, यहाँ पर मौजूद है, और खासतौर पर जो सासाराम लोकसभा जो सीट है, काफी ये सीट जो है कांग्रेस के लिए माना जाता है। क्या आप कांग्रेस के लिए फिर यहाँ पर मीरा कुमारी यहाँ से कांग्रेस की सीट पे लड़ेगी या कोई और उम्मीदवार? ये तो ऊपर के उम्मीदवार बताएंगे, परंतु सासाराम कांग्रेस का गढ़ रहा है, पुराना गढ़ रहा है, और यहाँ से मजबूत दावेदारी कांग्रेस की है, मीरा कुमार जी की है। तो हम लोग जैसे भी मीरा कुमार जी लड़ेंगी और गठबंधन से जो कोई भी लड़ेगा, हम लोग उनके साथ पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस में एमपी बनने की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस में कांग्रेसमैन बनने की लड़ाई है, और अभी देश बचाने की लड़ाई है। जो भी उस देश बचाने की लड़ाई में हमारे साथ चलना चाहता है चलेगा, चलो हमारे साथ, हम लोग जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, आए हम घर जाले अपना, चलो हमारे साथ। तो बिल्कुल किसी तरह की कोई हम लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जो कोई भी हमारा उम्मीदवार महागठबंधन का बनेगा, जनता उसके साथ। भाजपा कह रही है कि 2024 में तो सपना ही छोड़ दें, सपना देखना बंद कर दें, कभी सपना पूरा नहीं हो सकता है, कभी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन ही नहीं सकते। भाजपा के कहने से क्या कोई सब बात सच हो जाती है? भाजपा क्या भगवान का रूप लेगी है? राजनीतिक हैं, उनको यही बोलेंगे, उनको मोदी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको बोलिए मोदी के बाद बताइए कौन आएगा, उनके लिए हमारे लिए भाजपा क्या कहती है वो मायने नहीं रखता है। हम और भाजपा के को मेरे हिसाब से लोगों को भी ना, अब इनके ऊपर ये जो इनको चाणक्य नीति ये सब बनाई है, जितने चुनाव ये हारे हैं साउथ इंडिया से साफ हो गए हैं, महाराष्ट्र में जाके धक्के से सरकार बना रहे हैं, सरकार रह कहाँ गई है इनकी, मध्य प्रदेश में धक्के से बनाई सरकार, एक यूपी को छोड़ के जहां इन्होंने धर्म के नाम के ऊपर ऐसा बांट दिया, और जहां इन्होंने अपनी पॉलिसी के ऊपर वोट नहीं मांगा, मंदिर के ऊपर वोट मांगा। भाजपा भी तो आरोप लगाती है कि आप लोग भी जात पात में बांटते हैं लोगों को, तो आज की बात करिए, क्या राहुल गांधी जात पात में बांटते हैं? आज राहुल गांधी हमारे नेता है, क्या खड़गे जी जात पात वाले नेता है? बात पुरानी, अगर कहीं गलती हुई भी होगी तो उसका अब उसको आज लाके राहुल गांधी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। राहुल गांधी ने कब की जात पात की बात? राहुल गांधी ने कब की अपना क्या कहते किसी एक समाज को बांटने की बात? वो तो जोड़ने की बात कर रहा है, वो कह रहा है भारत जोड़ेगा इंडिया जीतेगा, और यही असलियत है। आज भारत की लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी बहुत बेहतर लड़ेंगे। 2024 में भाजपा को हरा दिया जाए? भाजपा हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले, ये जनता से पूछिए आप। कर्नाटका में हारी, तेलंगाना में कहीं नाम नहीं है, मध्य प्रदेश हारने वाले हैं, छत्तीसगढ़ हारेंगे बुरी तरह, हर स्टेट में हारते जा रहे हैं। पिछली बार ठीक है वो पुलवामा और उधर जाके एक बार उन्होंने नेशनलिज्म के नाम के ऊपर वोट ले लिया, लेकिन कितनी बार। आज बात है महंगाई की, आज बात है गरीबी की, आज बात है हम अंदर मीटिंग कर रहे थे, पूछा नौजवानों से क्या मुद्दा है, बोले बेरोजगारी मुद्दा है। तो क्या भाजपा अपना रिपोर्ट कार्ड दे, क्या बेरोजगारी पे किया, क्या महंगाई पे किया, क्या अपना सिलेंडर के दाम पे किया? मणिपुर में क्या हो रहा है? आज मणिपुर देख के मोदी जी की आंख लाल नहीं हो रही? आज मोदी जी को गुस्सा नहीं आ रहा? आज बेटी बचाओ नहीं याद आ रहा? क्या हुआ यूपी में? ये सब बातें, ये मुद्दे कब आएंगे देश के सामने? और ये मेरी, आप जैसे मीडिया चैनल जो शायद इस बातों को आगे दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपरली जो नेशनल मीडिया है वो तो मोदी जी ने खरीद ली है, मीडिया उन्होंने खरीद ली, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास। आज लड़ाई जो है तभी जमीन पे आके लड़नी पड़ेगी, और जो हालात है आप देखना, जिस तरीके का रोष है लोगों में, आने वाले समय में 24 में इनको कहीं मिल गए तब बोल देना आप, ये कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने कांग्रेस नेताओं से सुना, कांग्रेस नेता जो है यहाँ पर सासाराम में पहुंचे हुए, और काफी जो देख सकते हैं कि पीछे काफी युवाओं की भीड़ हुई है, और मैं बता दूं कि लगातार लोकसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस के नेता है, बड़े से छोटे नेता है, सासाराम पहुंच रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं के साथ मिल रहे हैं और युवाओं को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, और 2024 में आने वाले चुनाव में मोदी को हराने के लिए लगातार यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और साफ तौर पे इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।